दोस्तों, हमारा देश भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और फिर न जाने कितने शहीदों के बलिदान के बाद हमारे देश को आज़ादी का दिन देखने को मिला। इस आज़ादी को दिलाने वाले ऐसे कितने ही देशभक्त हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो बस उनका नाम। क्या आपने कभी सोचा है कि देश को आज़ादी दिलवाने के लिए ऐसे महान देशभक्तों ने क्या क्या काम किए, कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी भारतवासियों के मन में देश प्रेम की भावना को जगाया और उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। ऐसे ही एक महान देशभक्त के बारे में आज हम जानेंगे, जिनका बचपन का नाम था गोपाल। गोपाल नाम का ये छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ता था। एक दिन गणित के अध्यापक ने सभी बच्चों को कुछ प्रश्न दिए और होमवर्क में सभी बच्चों को वो प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कहा। स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। घर जाकर गोपाल ने गणित के वो प्रश्न हल करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक सवाल गोपाल की समझ में नहीं आया। अगले दिन सुबह स्कूल जाते समय गोपाल ने अपने दोस्त से उस प्रश्न का जवाब पूछा। दोस्त ने वो प्रश्न ठीक से हल किया हुआ था। गोपाल ने अपने दोस्त की कॉपी से उस एक सवाल का जवाब अपनी नोटबुक में लिख लिया। जब वे स्कूल पहुंचे तो अध्यापक कक्षा में आए। उन्होंने सभी बच्चों से होमवर्क दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित के सवाल करके ही नहीं लाए थे, और जो बच्चे सवाल हल करके लाए थे उनके उत्तर सही नहीं थे। पूरी कक्षा में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने सारे सवालों का ठीक जवाब लिखा हो। अंत में अध्यापक ने गोपाल को अपनी कॉपी दिखाने को कहा। उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो उसके सभी उत्तर बिल्कुल सही थे। अध्यापक बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई, गोपाल की बहुत तारीफ की। अध्यापक के पास एक कीमती पेन था। उन्होंने वो पेन गोपाल को दिया और कहा, पूरी कक्षा में बस तुम ही एक बच्चे हो जिसने सभी सवालों का बिल्कुल सही जवाब लिखा है, इसलिए अपना ये पेन मैं तुम्हें इनाम के रूप में देता हूँ। अध्यापक की बात और अपनी तारीफ सुनकर गोपाल बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वो फूट फूट कर रोने लगा। अध्यापक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल को कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब लिखा है। गोपाल ने रोते हुए जवाब दिया, गुरुजी ये सारे प्रश्न मैंने खुद हल नहीं किए हैं, मैं इस इनाम के लायक नहीं हूँ। इनमें से एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता था, उसका जवाब मैंने अपने मित्र से पूछकर लिखा है, इसलिए अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का मन भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी तारीफ करते हुए बोले, बेटा तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य ही देश का नाम रोशन करोगे। अध्यापक ने वो पेन गोपाल के हाथ में रखा और कहा, अब मैं ये पेन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम के रूप में दे रहा हूँ। अध्यापक की बात बिल्कुल सच निकली। यही सच्चा बालक आगे चलकर भारत का महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले बना, जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता कृष्णाराव गोखले और माता वालूबाई गोखले थी। उनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उनके माता पिता चाहते थे कि गोपाल कृष्ण पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें और अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर पाए। लेकिन गोपाल बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे।
उनके भाई ने पढ़ाई का खर्चा उठाने में उनकी मदद की। अपने गांव के स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वे मुंबई चले गए और 18 साल की उम्र में मुंबई के कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। उस समय बहुत कम भारतीय ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया हो। गोपाल कृष्ण उन गिने चुने लोगों में से एक थे, इसलिए ग्रेजुएट होने पर उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा का इतना अच्छा ज्ञान हो गया था कि उस समय भारत पर राज करने वाले अंग्रेज लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद गोखले शिक्षक का काम करने लगे। पुणे के फर्गसन कॉलेज में उन्होंने 20 साल तक काम किया और उसके प्रिंसिपल बने। गोखले की उम्र बस 20 साल की थी तभी उन्होंने देश की सेवा, समाज सुधार और आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अखबारों और मैगजीन्स में उनके लिखे हुए आर्टिकल्स छप कर आने लगे। इन आर्टिकल्स के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया। सन 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो। गोखले का कहना था, जब सभी भारतीय शिक्षित होंगे तभी उनकी बुद्धि का विकास होगा और तभी वे देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और देश के विकास और आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। गोखले जी द्वारा बनाई गई इस सोसाइटी ने पूरे देश में कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने लोगों को शिक्षित बनाकर देश की सेवा करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये सोसाइटी रात में भी कक्षाएं लगाती थी ताकि जो लोग दिन के समय काम करते हैं वे भी रात को कक्षाओं में आकर शिक्षित बन पाए। सन 1912 में जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नए नए बैरिस्टर बने थे, वे दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन के बाद भारत लौटे। तब वे भारत के बारे में और भारतीय लोगों के विचारों को अच्छे से जानकर आज़ादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते थे और यही सब बातें समझने के लिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह ली। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पसंदीदा लीडर थे। गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। गोखले जी बहुत बड़े विद्वान और गणित के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उनका पढ़ाने का तरीका सभी छात्रों को बहुत पसंद आता था। वे अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते थे और बिना हिचकिचाहट अपनी बात सबके सामने रखते थे। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों और बुरे व्यवहार के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए वे इंग्लैंड तक भी गए और अंग्रेज़ों के ही देश में जाकर उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। उनके विचारों, लेखों और भाषणों ने पूरे भारत में देश प्रेम की भावना को जगाने का काम किया। सन 1915 में जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसे महान देश सेवक की याद में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण, मजदूरों का राजकुमार आज यहाँ इस जगह पर सदा के लिए विश्राम कर रहा है। आइए उनकी ओर देखें और जीवन में उनके जैसा ही आचरण करने का प्रयास करें, उनके जैसा ही बनने की कोशिश करें।